वर्क ड्यूरिंग इमरजेंसी, जैसे कि आपका भी आपका एक एपिडेमिक हुआ है, यानी कि आपको कोरोना हुआ तो उस टाइम पे आपको सब्जियां मिले, आपको दवाइयां मिले, इस तरीके की फैसिलिटीज भी जिला परिषद ही ध्यान रखता है। इट इज अ लिंक बिटवीन विलेज पंचायत एंड द स्टेट गवर्नमेंट एज इट एडवाइज द स्टेट गवर्नमेंट ऑन ऑल मैटर्स रिलेटेड टू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव इन द डिस्ट्रिक्ट। तो उन्होंने कहा है कि ये तार होता है सरकार और गांवों के बीच में। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जो है एक तरीके से मीडियेटर की तरह डील करती है कि गांव की सारी जरूरतों को ध्यान रखते हुए वो सरकार से उनके लिए मांग कर सके और उनके मैटर्स को सरकार तक पहुंचा सके, उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचा सके, क्योंकि गांव खुद तो जा नहीं सकता एक गवर्नमेंट के पास, इसलिए जिला के जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो आपकी समस्याओं को लेकर गवर्नमेंट के पास जाते हैं। द डिस्ट्रिक्ट आर डिवाइडेड एंड सब डिवाइडेड एज, तो उन्होंने कहा जो डिस्ट्रिक्ट है उनको हमने डिवाइड किया हुआ है और भी छोटे टुकड़ों में बांटा हुआ है तहसील और तालुका के नाम से। दे आर टेकन केयर ऑफ, अब ये तहसील बनाई हुई है फिर तालुका बनाया हुआ है, इनका ध्यान कौन रखता है? तहसीलदार रखते हैं, कनकोस लेखपाल पटवारी रखते हैं। दे आर अपॉइंटेड टू सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स एंड ऑल्सो सुपरवाइज द वर्क ऑफ द पटवारी एंड चेक द लैंड असेसमेंट एंड रेवेन्यू करेक्शन। तो ये इनको अपॉइंट किया जाता है ताकि पटवारियों को काम देख सके और ये देख सके किसका लैंड कितना है और उस लैंड से कितना पैसा आता है, ये सारी चीजें जो है ये देखते हैं। सो इन टुडेस क्लास वी डिस्कस आवर थ्री टॉपिक्स। आई एम एंडिंग दिस क्लास ऑन दिस नोट एंड फर्दर टॉपिक वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। होप यू लाइक द वीडियो एंड अंडरस्टूड व्हाट आई टॉट इन टुडेस क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।